अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल जुबिस किचन। आज मैं चिकन की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, शायद ही आपने देखे होंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है चिकन। हम इसको बेक करेंगे लेकिन यूनिक स्टाइल में। तो इसके लिए कुछ मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हमने ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, स्टार एनीस ले लिया, हमने लौंग हमने ले लिया, काली मिर्च ले लिया, दालचीनी भी इसमें ऐड करेंगे और शाहजीरा भी है इसमें और जावित्री इसके साथ है। यहाँ हमने मसाला ज़्यादा ही करके रेडी कर रहे हैं, बाद में भी यूज़ होगा ये। इन सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ देर। इसके साथ आपने जायफल भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल लो हीट पे हम इसको गर्म करेंगे। शाहजीरा और जावित्री को हम बाद में ऐड करेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। यहाँ हमने इंडक्शन को ऑफ कर दिया, प्लेट में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसको पाउडर बनाएंगे। इस चिकन को हमने बिल्कुल भी नए तरीके से बनाएंगे, अब देख के हैरान रह जाओगे। अब हम प्याज ले लेंगे, प्याज को पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम प्याज का जूस निकाल लेंगे। इसके लिए हम स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे। इसका पेस्ट हमें नहीं चाहिए, बस इसका जूस हमें चाहिए, बाद में हम यूज़ करेंगे इसको। अभी साइड में रख देती हूँ। अब हम एक बर्तन में दही ले लेंगे हाफ कप। इसके बाद प्याज का जो जूस निकाले थे वो इसमें ऐड करेंगे। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट एक एक टीस्पून डालेंगे इसके साथ। हल्दी जस्ट थोड़ा सा जाएगा। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे इसके साथ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। गरम मसाला ऐड करेंगे और होममेड करी पाउडर इसके साथ जाएगा। कश्मीरी रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सरसों का तेल इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम चिकन का थाई और ब्रेस्ट ले लिया। चिकन में हमने बीच बीच में कट लगा दिया ताकि मसालों अच्छे से अंदर तक चला जाए। चिकन को इस मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और कोट करेंगे इसको। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए मिनिमम रखेंगे मैरिनेट के लिए। मैरिनेट के लिए आप इसे ज़्यादा भी टाइम रख सकते हो, लेकिन इसको फ्रिज में रखना होगा। अब हम एक पतीला ले लेंगे और इसमें नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से फैला देंगे और थोड़ा मोटा ही लेयर हमने बनाया। यहाँ हमने मोटा सा इसका नमक ले लिया क्योंकि ये बाद में फेंका जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। प्रेस कर देंगे और ऊपर का सरफेस स्मूथ कर देंगे। इसको फ्री हीट करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट या नमक पूरी तरह से जब गर्म ना हो जाए तब तक इसको फ्री हीट करेंगे। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे डायरेक्ट नमक के ऊपर ही। डोंट वरी, ये नमक ज़रा से भी नहीं लगेगा चिकन में। नमक पूरी तरह से गर्म होना चाहिए तभी चिकन को इसमें रखना है। ढक देंगे और इसको डो के साथ सील कर देंगे पूरी तरह से। बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस टाइम पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा भी हवा निकलना नहीं चाहिए। 45 से 50 मिनट हम इसको बेक करेंगे या इससे भी कम टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है चिकन के ऊपर। 50 मिनट टाइम लगा हमें इसको बेक करने में। चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं चिकन बोन से अपने आप ही अलग हो रहा है। चिकन में नमक ज़रा भी नहीं चिपका, यहाँ देख सकते हो, लेकिन ये नमक कोई काम का नहीं। रेडी है हमारा विदाउट ओवन बेकिंग चिकन। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है ये, यकीन मानिए।
अब मैं चिकन को काट कर दिखाती हूँ। चिकन किस तरह नरम हो चुका है देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा नरम और टेस्टी बना है। इस तरह से एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाथ से ही आसानी से यह चिकन टूट रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।